नवरात्र पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सरकारी आवास पर किया कन्या पूजन, पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने कन्याओं के अपने हाथों से धोए पैर, माथे पर चंदन लगाकर सभी को अपने हाथों से खाना खिलाया। यूपी के सीएम ने लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में 56 वेंटिलेटर का किया लोकार्पण, बोले यूपी में 5 लाख डॉक्टर्स की जरूरत। प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले सरकारी डॉक्टर से नाराज योगी, कहा निजी प्रैक्टिस से दूर रहे सरकारी चिकित्सक। योगी ने कहा गैंग जैसा काम ना करे सरकारी डॉक्टर, डॉक्टर पैसे कमाने के लिए नहीं दुआओं के लिए काम करे। यूपी के जयपुरी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर रामनवमी की पूजा, घंटे भर तक 7 कालिदास मार्ग में हवन पूजन। यूपी सरकार के मंत्री सत्यदेव पचौरी ने परिवार के साथ सरकारी आवास में किया गृह प्रवेश, 9 कालिदास मार्ग के बाहर बना स्वास्थ्य। भूत बंगले के तौर पर चर्चित 6 कालिदास मार्ग में जागरण और पूजा पाठ, लघु सिंचाई मंत्री एसपी सिंह बघेल का गृह प्रवेश। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले शिवपाल यादव, मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात। मुख्यमंत्री योगी ने अपने मंत्रियों को दिए शासन के मूल मंत्र, बोले सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं मिला जनादेश। महाराष्ट्र में किसानों की कर्ज माफी की मांग को लेकर कांग्रेस एनसीपी का प्रदर्शन, विधानसभा के बाहर जमकर नारेबाजी। कर्ज माफी के लिए यूपी के पैकेज से रास्ता निकालने में जुटे मुख्यमंत्री फडणवीस, वित्त सचिव को रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश। यूपी में किसानों की कर्ज माफी का राहुल गांधी ने किया स्वागत, कहा दूसरे राज्यों के किसानों को भी मिले राहत। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमिलनाडु के किसानों का धरना प्रदर्शन जारी, सड़क पर लेटकर पांव में बेड़ियां बांधकर जताया विरोध। गुड़गांव में एलिवेटेड फ्लाईओवर को लेकर ग्रामीणों का धरना जारी, दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करने की धमकी दी। भोपाल में एक मिशनरी स्कूल में बजरंग दल कार्यकर्ताओं का हंगामा, रामनवमी पर स्कूल खुला रखने का विरोध। दिल्ली में वीआईपी काफिले में फंसी सोनीपत की 2.5 साल की बच्ची की जान, 30 मिनट जाम में फंसी रही एम्बुलेंस। कैंसर पीड़ित बच्ची को लेकर फरीदाबाद के अस्पताल जा रही थी एम्बुलेंस, लोगों के विरोध के बाद पुलिस ने रास्ता दिया। यूपी के लखीमपुर खीरी में फीस बढ़ोतरी के विरोध में एबीवीपी छात्रों का प्रदर्शन, महिला मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस 1 घंटे तक जाम में फंसी रही। यूपी में शराब ठेकों के खिलाफ आज भी कई शहरों में प्रदर्शन, संभल में महिलाओं के साथ प्रदर्शन में शामिल लोग बोतलें चुरा कर ले जाते दिखे। बुलंदशहर में महिलाओं ने शराब फोड़ जमकर पथराव किया। मऊ में भी शराब की दुकानों पर हंगामा, महिलाओं ने सड़क पर लगाया जाम। हापुड़ में भी महिलाओं ने शराब ठेके पर बोला धावा, शराब की पेटियां उठाकर सड़क पर फेंकी। थाने में एक दुकान में लगी भीषण आग, कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कोल्हापुर में चारे से भरे ट्रक में लगी आग, जलते ट्रक को 2 किलोमीटर दूर तालाब तक ले गया जाएगा। महाराष्ट्र के अकोला में बिजली तार की चपेट में आकर ट्रक बना शोला, ड्राइवर की बाल बाल बची जान। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में भारी बर्फबारी, बर्फ से ढका मंदिर, तापमान 0 के नीचे। पटना में हनुमान का रूप धारण कर एक शख्स लालू यादव के घर पहुंचा, बाहर मौजूद सुरक्षाकर्मी हैरान दिखे। राजस्थान के अलवर में गौ तस्करी के आरोप में 50 साल के शख्स की पीट पीट कर हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार, नगर निगम से इजाजत के बाद गाय लेकर जा रहा था। नगर निगम के इजाजत के बाद गाय लेकर जा रहा था शख्स, भीड़ ने पीट सड़क बोला हमला। बीफ बैन के पक्ष में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड, इराक और शियाओं के सर्वोच्च धर्मगुरु का हवाला देते हुए बैन गौ हत्या पर बैन की मांग। कानपुर में एक शख्स ने स्पीड पोस्ट से पत्नी को दिया तलाक, पीड़ित महिला इंसाफ के लिए मुख्यमंत्री योगी से लगाएगी गुहार। अयोध्या में रामनवमी मेले के दौरान हादसा, भगदड़ में एक महिला श्रद्धालु की मौत, एक बुरी तरह जख्मी। सरयू में स्नान के बाद राम जन्मभूमि का दर्शन के लिए जाते समय हुआ हादसा, प्रशासन का दावा सुरक्षा इंतजामों में कोई कमी नहीं। मुजफ्फरनगर में स्थानीय बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारी। अमरोहा में बहू से अवैध संबंधों को लेकर बेटे ने किया पिता का कत्ल, आरोपी गिरफ्तार। फतेहपुर में बहन की किडनैपिंग का विरोध करने पर बदमाशों ने भाई को ही मार डाली गोली, घायल युवक अस्पताल में। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में बिजली के खंभे से टकराकर कार में लगी भीषण आग, कार में सवार युवक की झुलसकर मौत।
बांदा में दहेज नहीं मिलने पर पति ने फोन पर दिया पत्नी को तलाक, महिला ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। बहराइच में चेकिंग के दौरान वन विभाग के रेंजर से 10 लाख कैश बरामद, पुलिस ने आयकर विभाग को दी सूचना। हमीरपुर में बदमाशों का कोहराम, घर में घुसकर लूटपाट, विरोध करने पर बुजुर्ग महिला को मौत के घाट उतारा। गोंडा में 5 लाख रिश्वत मांगने के आरोप में लेखपाल गिरफ्तार, ऑडियो क्लिप सामने आने पर कार्रवाई। बेगूसराय में भूमि विवाद में होमगार्ड जवान की गोली मारकर हत्या, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। कटिहार में गंगा में जलस्तर बढ़ने से किसानों पर आफत, बाढ़ में लाखों की फसल बर्बाद। छपरा में आपसी विवाद में नाबालिग लड़की से पड़ोसियों ने की मारपीट, पुलिस ने दर्ज किया मामला। हाजीपुर में रामनवमी पर हनुमान के भक्तों ने निकाली गदा यात्रा, लोगों में दिखा भारी जोश। मुजफ्फरपुर में रामनवमी पर श्रद्धालुओं ने निकाली भगवान की शोभा यात्रा, देवी देवताओं की निकली झांकी। वेस्ट मिदनापुर में कलाकारों को ले जा रही बस पुल से गिरी, हादसे में 35 घायल। दक्षिण 24 परगना में 8 साल की मासूम बच्ची की ट्रक से कुचलकर मरी, गुस्साई भीड़ ने ड्राइवर को पीट पीट कर मार डाला। नादिया में 2 मरीजों की मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने नर्सिंग होम में जमकर तोड़फोड़ की। कोलकाता में एक महिला से रेप का सनसनीखेज मामला, दरिंदे ने कई महीनों तक बनाया हवस का शिकार, पुलिस ने दर्ज किया मामला। हावड़ा अदालत परिसर में जाली हलफनामा बनाने वाला शख्स गिरफ्तार, पुलिस को रैकेट में और लोगों के शामिल होने का शक। जम्मू कश्मीर के बांदीपुर में आतंकियों से मुठभेड़ में घायल सीआरपीएफ कमांडेंट चेतन चीता को अस्पताल से छुट्टी, 9 गोलियां लगने के बाद 2 महीने तक कोमा में रहे। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन जारी, पुंछ सेक्टर में सेना के पोस्ट के साथ रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना। जम्मू कश्मीर के शोपियां में अज्ञात बंदूकधारियों ने पूर्व सरपंच के घर बोला हमला, जमकर तोड़फोड़ की। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला की बेकाबू जुबान, कहा भारत पाकिस्तान नहीं सुलझा सकते कश्मीर का मसला तो अमेरिका दे दखल। देहरादून में नामी डॉक्टर पर अपने यहां काम करने वाली लड़की से छेड़खानी का आरोप, मामला दर्ज होने के बाद आरोपी फरार। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ ने जब्त की हेरोइन की 15 पैकेट्स, किसी की गिरफ्तारी नहीं। रोहतक में 3 गांवों की पंचायत ने लिया फैसला, अपने यहां शराब ठेके खुलने का विरोध। बिग बॉस में कंटेस्टेंट रहे ओम स्वामी ने पानीपत में दर्ज कराया लूट का मामला, 5 युवकों पर हथियार के दम पर 35,000 लूटने का आरोप। अमृतसर में पुलिस के हत्थे चढ़े 13 शातिर लुटेरे, लूट की 6 बाइक के साथ हेरोइन भी बरामद। फिरोजपुर में भारी बारिश और तेज आंधी से किसानों की चिंता बढ़ी, फसलों को भारी नुकसान। हरदा में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के बाद दोस्त ने बनाया अश्लील वीडियो, पुलिस ने गिरफ्तार किया। दतिया में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, हादसे में 3 की मौत। नवरात्र पर टीकमगढ़ में बजा बगाज माता मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़, दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा। अमृतसर के बेनी नानकी हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में आग से हड़कंप, किसी मरीज के घायल होने की खबर नहीं। उत्तराखंड के मंत्री धन सिंह रावत का बयान, अगर उत्तराखंड में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। लोनावला के जंगल में इंजीनियरिंग के छात्र और लड़की का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बुलढाणा में झोला छाप डॉक्टर्स पर कार्रवाई, छापेमारी के दौरान एक क्लिनिक से भारी मात्रा में एक्सपायरी दवाएं जब्त। मध्य प्रदेश के खरगोन में सरपंच को वोट नहीं देने की ग्रामीणों को मिली सजा, 300 परिवारों को हैंडपंप से पानी लेने पर मनाही। शिमला में अपनी मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन, सचिवालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा की हजारीबाग जेल से रिहाई, बिना इजाजत यात्रा निकालने पर हुई थी गिरफ्तारी। पाली में एक शख्स ने ऑनलाइन ठगी पर जालसाजों ने उड़ाए 95,000 रुपए, एक नाइजीरियन समेत 2 गिरफ्तार। धौलपुर में शॉर्ट सर्किट से खेत में तैयार गेहूं की फसल खाक, किसान को लाखों का नुकसान। भरतपुर में पुलिस टीम पर हमला करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में पूर्व विधायक समेत 8 को 3 साल की सजा, 42 बरी। भरतपुर में प्रेमी के साथ फरार 3 बच्चों की मां पुलिस की गिरफ्त में, प्रेमी के पहले से 9 बच्चे थे। हरियाणा के भिवानी में दलित समुदाय के लड़के की शादी में दबंगों का कहर, दूल्हा समेत बारातियों की जमकर पिटाई। दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल, सुरक्षा और समय पर वेतन की मांग को लेकर आज ड्यूटी से गायब रहे।
दिल्ली के वजीरपुर में एक पार्क में मनचले की जमकर धुनाई, नाबालिग लड़की को अपने साथ भागने का दबाव बना रहा था। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में आंखों की दवाई डालने से मरीजों की परेशानी, रोशनी कम होने की शिकायत। दिल्ली एनसीआर में कई जगह झमाझम बारिश, तापमान में गिरावट से लोगों को राहत। हिमाचल में तेज आंधी और ओलावृष्टि की चेतावनी, 5 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। विशाखापट्टनम में रेलवे जोन की मांग को लेकर वाईएसआर कांग्रेस ने निकाली पदयात्रा, सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। त्रिवेंद्रम में इंजीनियरिंग के छात्र की खुदकुशी का गरमाया मामला, परिजनों के साथ साथी छात्रों का प्रदर्शन। कर्नाटक के गुलबर्गा में भीषण गर्मी के बीच पानी का संकट, आम लोगों की मुसीबत। उधम सिंह नगर में झुग्गियों में लगी भीषण आग, एक मासूम की झुलस कर मौत। लुधियाना में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने उठाई अवैध पार्किंग में खड़ी अपनी ही महकमे के मुलाजिम की कार, पुलिस वाले को पड़ा दिल का दौरा। चैत्र नवरात्र के आखिरी दिन देश भर के मंदिरों में विशेष पूजा पाठ, वाराणसी में भक्तों का लगा तांता। दिल्ली के झंडे वालान मंदिर में दर्शन के लिए सुबह से ही दिखी लंबी कतार, विशेष आरती में शामिल हुए भक्त। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में भी दर्शन के लिए उमड़ी भीड़, भक्तों में दिखा भारी उत्साह। रामनवमी पर शिरडी के साईं बाबा को रिकॉर्ड चढ़ावा, 12 किलो सोना, 100 किलो चांदी का दान। उत्तराखंड के काशीपुर में चैती मेले की धूम, मां बाल सुंदरी का निकला डोला।